ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है ना। बराबर बराबर। और इसका एक्ट जो है वो कहाँ पारित हुआ था? ब्रिटेन पार्लियामेंट में। ब्रिटेन पार्लियामेंट में 17 जुलाई को पास हुआ। हाँ। 18 जुलाई को उसकी जो क्वीन थी उसने उसको अपनी एसेंट दी। और आप जो है 15 अगस्त को वो ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर है। और ट्रांसफर ऑफ पावर दुष्टों को। आप ये बताओ कि अंग्रेज इतने डरे हुए थे, कैन यू बिलीव कि कितने डरे हुए थे अंग्रेज। अंग्रेजों की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उनको खबर दी कि तुम लोगों को जो भी थोड़ा सा भी कुछ भी उल्टा सीधा करता है आपके दृष्टिकोण से, कि आप तत्काल फांसी पे चढ़ा देते हैं। ठीक है ना। जो अभी ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल में ये गलती मत करना, नहीं तो तुमको भागने की जगह नहीं मिलेगी। राइट। और ऐसे बहुत सारे पत्र उस समय के हमने उनको पढ़ा है, वो कमांडर इन चीफ जो है क्लॉड एमिक्सन है ना, उन्होंने लिखे हैं। हाँ। बॉवेल को और बाकी लोगों को। बनने वाले थे, जनरल भी बनने वाले थे शायद। नहीं नहीं, ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। अच्छा अच्छा। बनने वाले नहीं थे, वो ऑलरेडी थे, बल्कि दो बार रहे। ओके 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 ओके, ठीक है ना। और उन्होंने ढेर सारे पत्र लिखे और उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा कि पूरे देश में और पूरी आर्म फोर्सेस में, जिसमें नेवी, एयर फोर्स और नेवी और आर्म फोर्स सभी जो है ना इंक्लूडेड है, उनमें पेट्रोटिज्म की अलख जग रही है और विस्फोट तक स्थिति है। इन रिपोर्ट के तारतम्य में आपको मालूम है आजाद हिंद फौज को प्रोजिक्यूट नहीं किया गया, सब केस विड्रॉ कर लिए गए थे। हाँ, 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 हाँ। अरे यार ये बताओ, जो छोटे से स्लाइटेस्ट उसमें साला फांसी पे चढ़ा देते थे, कुएं के बम में फांसी चढ़ा देते थे, वो जो है उन्होंने इतनी बड़ी उसको जो है ना कैसे कर दिया। बिकॉज उनको बताया गया कि तुमको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपको मालूम है क्लॉड ने एक एग्जिट प्लान बनाया। हाँ। कि यदि बगावत हो जाएगी तो हम जो जो मुट्ठी भर जो हमारे ब्रिटेन के लोग हैं यहाँ पे, उन्हें हम भारत से कैसे सुरक्षित ले जाएंगे, उसका नाम ही है एग्जिट प्लान ऑफ क्लॉड एमिंगटन। अच्छा। जब वो इतने डरे हुए थे हमारे इन साले नालायक दुष्टों ने अंग्रेजों की शर्त पे वो किया जो अंग्रेज चाहते थे, उनकी शर्त पे डिवीजन हुआ, उनकी शर्त पे उन्होंने लाइन खींच दी। राइट। राइट। करेक्ट। जो रेड क्लिफ लाइन है, एक दुष्ट ने लाइन खींच दी नक्शे पे, बिना जाए बिना देखे। वो हमारे और पाकिस्तान की सीमा बन गई। इतनी दुष्टता है। लोग मरते करते रहे, देखिए ना, ये लोग मरते करते रहे, ये दुष्ट नेहरू और वगैरह ने उनको जो है ना एक रोटी भी नहीं। गांधी कैसे चुपचाप चुपचाप बैठा रहा, मतलब बैठे नहीं रहे, एंजॉय करते रहे, एंजॉय करते रहे, समझ में सेलिब्रेटिंग। मुझे तो लगता है सबसे गांधी जी ने कहा कि भाई जो पाकिस्तानी चले गए हैं यहाँ से, मतलब जो मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए हैं, वो लौट के वापस आएंगे, उनके घर खाली रखे जाओ। जब रिलीजन के आधार पर दो देश बने हैं और कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया है, ये इस देश के साथ गद्दारी नहीं है, यदि आप उनको वापस बुलाना चाहते हैं तो। बिल्कुल है, फर्जी आदमी नोट के छाप पे रखा है, इसीलिए तो हमारे नोट की वैल्यू नहीं बन रही है। बड़ी दुष्टता है। और इन दुष्ट लोगों ने आपका संविधान का, आपको मालूम है 80-90% जो है कहाँ से आया है? ब्रिटेन का इंपोर्ट है सब? नहीं नहीं, ब्रिटेन का इंपोर्ट नहीं है। अच्छा। 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बना था ना, जो अंग्रेजों ने बनाया था उनके हुकूमत के लिए, वो जो है अडॉप्ट किया गया है। कुछ प्रोविजन आयरिश गवर्नमेंट से, कुछ यहाँ से, कुछ वहां से थोड़े बहुत कॉपी कर लिए हैं, कोई फंडामेंटल राइट के, कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, बट मूल वही है। अब ये बताओ, ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि आपका आर्टिकल 333, जिसमें दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रावधान रखा गया है। एंग्लो इंडियन का मतलब है वो अंग्रेज जिन्होंने अवैध संबंध करके यहाँ पर जो है बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा किए। अच्छा, तो अच्छा। वो तो चले गए, उनकी अवैध संतानों के लिए भी दो सीट जो है पार्लियामेंट में है और आज भी है 70 साल के बाद। हाँ है ना, अपने यहाँ से है ना, बिलासपुर से क्या नाम है उसका, बैग वो क्या बोलते हैं समथिंग, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उसका, वो है ना ये, मतलब नॉमिनेटेड है राज्यसभा में, तो ये तो बदतमीजी है ना। अच्छा, अब आप ये बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा, जॉर्ज पंचम किंग, जो जिसको जॉर्ज पंचम कहते हैं, किंग जॉर्ज फिफ्थ कहते हैं, वो 1911 में इंडिया में आया, उसके सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा।
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता है, जय हो जय हो जय हो। तो इन दुष्टों ने दासता और गुलामी के प्रतीक उस ऐसो गान को इन दुष्टों ने राष्ट्रगान बना दिया। कितने दुष्ट थे ये लोग, इन्होंने आर्टिकल 35 ये बिना संवैधानिक प्रक्रिया को पालन किए संविधान का हिस्सा बना दिया, जो पार्लियामेंट में भी नहीं गया, कैबिनेट में भी नहीं गया। कितनी बड़ी दुष्टता है ना इस देश में। 1990 में बना तो पूरा ही किया इन लोगों ने, इन दुष्टों ने 1990 में जब खुलेआम मस्जिदों से अनाउंसमेंट करके कश्मीरी पंडितों की महिलाओं को रेप किया, मर्डर किया, इन साले दुष्टों को कुछ समझ में नहीं आया। क्या आईवी और रॉ ने वो रिपोर्ट नहीं दी थी इनको? यदि नहीं दी थी तो वहां के उस समय के पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई जो भी हो, यदि वो लोग चले गए हैं तो उनकी भर्त्सना कर ली जाए, और यदि अभी हैं तो उनकी दुष्टता का कम से कम एक जवाब तो ले ही लिया जाए। नहीं, उन्होंने तो पक्का इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी होगी। तो जिन दुष्टों ने यहाँ इस रिपोर्ट को प्राप्त किया, उन दुष्टों को यदि जिंदा है तो उनको नोटिस जारी किया जाए बिल्कुल, और यदि वो नहीं मर गए हैं तो भर्त्सना कर ली जाए, शायद उन्हें नरक में सुनाई दे जाए। ठीक बोल रहे। और अभी जो कम से कम इन केसेस में केस रजिस्टर करो, जो भी साक्ष्य उपलब्ध है, जो भी कार्रवाई संभव है उनको प्रोसिक्यूट करो। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? नहीं बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो तब तो चीजें लोगों को मालूम पड़ेंगी। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए कि ये क्या दुष्टता है। वेट फॉर ए मिनट। ये क्या दुष्टता है? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। और जो है आज भी जो है इतने समय के बाद हमने जो आर्टिकल 370 हटाया और बैकडोर से हम एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आ गए, और वो डोमिसाइल पॉलिसी लगभग आर्टिकल 370 की ही मंशा पूरी कर रही है। तो पहले तो समझ में आ गया कि वो सब जवाहरलाल नेहरू की दुष्टता थी। अब ये सब क्या थे? ये क्या अब जो है, क्या इसे नरेंद्र मोदी की दुष्टता कहा जाए? क्या किसकी दुष्टता कहा जाए? अमित शाह की दुष्टता कहा जाए? समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये ऐसा क्यों हो रहा समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये है कि हमें राजनीतिक रोटी सेकना है, और इनकेन प्रकार हम जो है उन्हीं दुष्टों को मिला के और कुछ कुछ जो है ना वहां पे वो ले आए। अरे पहले उनको प्रोसिक्यूट करो सालों दुष्टों को। तुम्हारी जो है ये नॉर्मलसी हमारे लिए मायने नहीं रखती है। पहले जो है कश्मीरी पंडितों को न्याय दो। बिल्कुल। क्या सोचते होना चाहिए? पहले उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके बाद में आगे की बातें अपन करेंगे। तो मैं तो जी आइए हम सब लोग मिलके जो है एक समृद्ध भारत की स्थापना करें। जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं सर। ओके ठीक है। राइट सर। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय हिंद सर। जय हिंद। आओ आओ हेमंत आओ।